हाँ जी, तो बालों को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं अभी उठा हूँ और रमज़ान चल रहे हैं, तो ये टाइम है सहरी का। सो अभी खाते वाता हूँ और आपको सुबह बताता हूँ। थोड़ा नींद में ना कच्चा हूँ मैं, तो अभी एडजस्ट कर लेते हैं। सो जी, खाना वाना खा लिया है और आज की सहरी में आपका भाई सबसे पहले उठा है, तो मैंने सबको उठाया, खाना वाना खाया। और जिसमें भी कुछ चुल है, जानने की क्यूरियोसिटी है कि रमज़ान रोज़ों में क्या होता है, वो सारे डाउट दूर मैं दूर कर दूंगा। सो इस टाइम तक तो मैं सो जाता हूँ, बस आपको बताने के लिए जगा हुआ हूँ। नींद का दोबारा से वही थोड़ा, चलो सोते हैं, गुड नाइट। सुबह उठते ही बताते हैं क्या चलता है क्या नहीं। सो जी हाँ, 11:30 बज रहे हैं और अभी अभी उठा हूँ। तो यार, आप सही कह रहे हैं, दो चीज़ें मैं बताना भूल गया था। जब इससे पहले हम रात को सहरी करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं फजर की नमाज़। मैं आपको बताना और पढ़ना दोनों भूल गया हूँ, पर मैंने उठते ही कज़ा पढ़ ली है। और झूठ बोल के क्या फ़ायदा है कि भाई पढ़ ली, भूल गया था, गलती इंसान से होती है। मैंने भी पढ़ ली, थोड़ी नींद आ गई थी लेटे लेटे। सो अब प्यास लग रही है, अब देखते हैं बाकी आगे आगे क्या होता है। सो जी, टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी नहा कर, अरे एक मिनट जी, सो मैं अभी जस्ट नहाकर आया हूँ और आपको बताता हूँ रमज़ान रोज़ों में क्या होता है। रमज़ान रोज़ों में एक टाइम पीरियड तक आपको भूखा रहना पड़ता है। बिल्कुल आम, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा है, मैं अभी रोज़े से हूँ। सो ये इस टाइम पीरियड में जो हम भूखा रहते हैं, इस टाइम पीरियड में सारी चीज़ें दीन दुनिया को त्याग कर से ऊपर वाले को याद करते हैं, ये होता है रमज़ान में। सो बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में बताया मैंने आपको, जैसे बहुत मुझे क्यूरियोसिटी थी करवा चौथ में क्या होता है, तो वैसे ही लोगों को क्यूरियोसिटी होती होगी कि रमज़ान में क्या होता है क्या नहीं, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए आप सभी को। सो अभी 2:30 बज रहे हैं, नमाज वमाज पढ़ लिया है, बोला भी नहीं जा रहा है, तो अब देखते हैं नींद आ जाती है तो नींद मुंह से ना, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। शाम को तैयारी होगी तो वो भी दिखाएंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, आई हैव टू गो स्लीप। अरे यहाँ भी आ गए, चलो भाई बताते हैं, शाम को तैयारी होती है, अभी थोड़ी देर सो सा के देखते हैं अगर नींद आ जाए तो। हाँ जी, सो अभी उठे हैं, और दिन में ना यार हमारे 5 नमाज़ें होती हैं, जिसमें से अभी मैंने पढ़ी है असर की। अभी हो 5:30 हो रहे हैं टाइम, थोड़ा थोड़ी देर है। सो इतने दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है क्या नहीं घर में। भाई किचन देखो गंदा सा हो रहा है, जज मत करना। ये आलू की पकौड़ी बनेंगी, आलू भीग रहे हैं, इसमें कुछ है, और इसके अंदर है कुछ, दिखाता हूँ अभी, वो खाली है तो जैसे जैसे बनता है आपको दिखाता रहता हूँ। अरे मम्मी, हाँ। खीरा है, और क्या बना रही हो? मैं पकौड़ी हैं, छोले हैं। चाट क्यों नहीं बना रहे? फ्रूट अलग से काटे हैं। चाट का मैं बताता हूँ क्यों नहीं बन रहे। चाट इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि फ्रूट मिल ही नहीं रहे, फ्रूट आएंगे तो चाट बनेगी। यही चंद कुछ चीज़ें खा के गुजारा हो रहा है, और मौसम तो आप देख ही सकते हैं घटा हो रही है, पर गर्मी है और प्यास लग रही है। और अनार भाई बहुत खाने का मन हो रहा है, मुझे लग रहा है ये बड़े हो जाएंगे अनार, जब तक लॉकडाउन खुलेगा यही खाएंगे। और टाइम हो गया है 6। ओए होए, अनार काश ये बड़े होते, बड़ा ही मन कर रहा है यार। जिन चीज़ों को मेरा कभी ज़िंदगी में मन नहीं करा ना खाने का, वो इस टाइम करता है। ये तरबूज कट गया है और कट रहा है, तैयारी चल रही है। तो जी 3 दिन के लिए काम आया था, और अब लग रहा है ईद वीद बकराईद वकराई सब यहीं बना के जाऊंगा। अरे और भाई बस यार, कर भी आ सकते हैं, आप भी ध्यान रखो। रमज़ान में मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या बताना चाहिए आपको क्या नहीं, बस ध्यान रखो। और ये जो टाइम होता है ना, मतलब अफ्तारी से 1-1.5 घंटे पहले, ये भाई सबसे ख़तरनाक टाइम होता है, क्योंकि इस पर भूख एकदम चरम पे होती है। सो फटाफट तैयारी चल रही है, मौसम सही हो गया, देखते हैं आगे क्या होता है। सो अब आप सोचेंगे कि भाई पापा जी कहाँ हैं, तो पापा जी का चलता है इस टाइम योगा क्लासेस, मतलब पापा ना यहाँ पर हेड बने हुए हैं, सबको योगा सिखा रहे हैं। अब मैं चुपके से आपको दिखाता हूँ, ये देखो देखो
सो देखा आपने फुल पावर युवा क्लासेस चल रही है यहाँ पर, पापा बन रखे हैं गुरु और क्लासेस फुल पावर। सो मौसम तो बड़ा अजीब सा ही हो रहा है। और जी योगा हो गया? योगा हो गया? हाँ हो गया। कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है, चलो बढ़िया। तो जी बाहर था पहले खाना, हर बार बाहर होता है, बारिश होने वाली है तो अंदर है खजूर, वाटरमेलन, खीरा, अंगूर और ये खरबूजा और ये कुछ और भी है और ये पता नहीं क्या है। तो जी ये है और 10 मिनट बचे हैं सिर्फ 10। सो शायद आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, तो टाइम हो चुका है। सो अब खाते बातें थोड़ा आराम करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। ओके, जब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाँ जी, सो आज की वीडियो ये रमज़ान वाली यहीं एंड होती है। वज़ू करके आया हूँ, नमाज़ पढ़नी है और इसके बाद एक नमाज़ होगी हमारी तरावियाँ कहते हैं उसको, और उसके बाद सेम आज वाला प्रोसेस रिपीट होता है। सो यार देखो, आपके पास हमारे पास घर है, छत है, खाने वाना है, थोड़ा कमी हो रही है पर खाना तो है। पर भाई उन लोगों का सोचो जिनको इसके भी लाले पड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ करो, मैं भी करूँगा। और जितना हो सके सेफ़ रहकर, जी हाँ सेफ़ रहकर मदद करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ़।